ऐसा कॉम्बो बना के किसी को देते हैं तो इसका मतलब उसमें रिजल्ट और भी अच्छा आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि आप लोगों का, अगर जैसे एवरी टाइम, आप लोग जानते हैं कि मेरी सेशंस के बाद मैं हमेशा थोड़ा सा टाइम रखती हूँ कि जहां पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर पाए, तो आज भी मैं वो रखूंगी। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक्स के ऊपर तो आप लोग जरूर मुझे कीजिएगा। तो मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। आज की जो मेन टॉपिक है वो है ल्यूकोरिया को लेके, क्योंकि ये टॉपिक चूज करने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग मुझे यहाँ पे मैं चैट करके वेलकम लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड जी हाँ, जो आज की जो टॉपिक्स है ये जा ल्यूकोरिया क्या, तो हमेशा हम लोग यही देखते हैं कि अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग हमेशा वही चीज देते हैं कि जो एक पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि ल्यूकोरिया टैबलेट्स हो, ल्यूकोरिया सिरप हो। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग और भी दो तीन प्रोडक्ट को ऐड करें तो उससे रिजल्ट और भी अच्छा आ रहा है। तो चलिए वही जानते हैं आज को टॉपिक को लेके कि ल्यूकोरिया में हम लोग कौन से प्रोडक्ट देते, मतलब दे सकते हैं, और आखिर ये जो प्रॉब्लम है ये आखिर क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग इसका सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो चलिए, हर टाइम की तरह सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी मैं स्क्रीन को शेयर करूंगी आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि स्क्रीन की जो प्रेजेंटेशन है आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं या तो नहीं, राइट। ये फेसबुक लाइव भी चल रही है तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि लिंक जो है आप लोग शेयर करते जाइए, क्योंकि ट्रेनिंग जितना भी शेयर होते जाएंगे बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा और लोगों की नॉलेज भी उतनी ज्यादा होगी। प्लीज मुझे कोई बताइए कि स्क्रीन शेयर हुआ है या नहीं, आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर रेस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। चलिए, जो आज की टॉपिक से मैंने पहले ही कहा था, इस ल्यूकोरिया केयर प्रोडक्ट को लेके हम लोग बात करेंगे। तो आज अगर हम लोग देखें कि जितने भी लेडीज है, मैक्सिमम लेडीज को कोई भी एज में हो, आज एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम बन चुकी है ये ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, जिसे हम लोग शायद, ये ल्यूकोरिया जो टर्म है वो कहीं कहीं पे किसी किसी को लगेगा कि भाई ये थोड़ा सा अननोन सा टर्म है, तो हम लोग व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये क्या है, और उसके साथ साथ अगर ये प्रॉब्लम किसी को है तो इसका सोल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना जरूरी समझती हूँ कि आखिर ये ल्यूकोरिया या तो व्हाइट डिस्चार्ज क्या है। ये एक म्यूकस होती है, राइट, जिनका कलर व्हाइट होती है और वो बहुत ही नॉर्मल, मतलब एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह होती है। अगर कभी कभी ऐसा कोई, मतलब कभी कभी कोई भी लेडीज का ये प्रॉब्लम है कि वो नॉर्मल सी एक वाटर बेस में आ रही है, तो ये एक नॉर्मल स्टेज में है, ये हम लोग बोल सकते हैं ये एक इनिशियल स्टेज में है। लेकिन अगर कभी कभी ये देखा जाए कि कभी कभी लेडीज का जो ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो वाइट डिस्चार्ज होती है ये बहुत ज्यादा थिकनेस के साथ आ रहा है, या तो उनको योलिश सा ये डिस्चार्ज हो रही है, राइट, तो ये थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। आखिर ये क्या है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आखिर ये सिक्रेशंस होती क्यों है। फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक म्यूकस है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से इसका सिक्रेशंस होते हैं, इनका जो ट्रैक होता है वहां से इसका सिक्रेशन स्टार्ट होती है। इनका बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारी कॉजेस हो सकती है, जैसे कोई भी पैथोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी
अगर एक लेडीज की हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो तब ये सिक्रेशंस हो सकते हैं, या तो अगर वो अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। जैसे कि अनहाइजेनिक अगर मैं बताऊं तो वो क्या है, एक तो है पोर हेल्थ, मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से, मतलब बहुत दिनों से अगर कोई ऐसा एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से ये हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर उनका मतलब कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है उसमें हो सकता है। कभी कभी जब वो यूरिन या तो मेंस्ट्रुएशन सर्कल के टाइम पे अगर वो अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, वो जो सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं अगर वो प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं है, जब वो वॉशरूम पे जा रहे हैं, या तो अगर एवरी मंथ पे जब पीरियड्स आती है उस टाइम पे जब उनको इंटीमेट वॉश की जरूरत होती है क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो जाए, अगर वो ये सारी चीज मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसके वजह से भी ये न्यूक्लियर की प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट। ये एक एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। जी हाँ, जितने भी लेडीज होते हैं इज अ नॉर्मल थिंग, अगर किसी का पीरियड्स के पहले अगर थोड़ा बहुत सिक्रेशंस आए सो इट्स अ नॉर्मल, या तो जब उनके पीरियड्स खत्म हो रहे हैं या तो मेंस्ट्रुअल सर्कल खत्म हो रहे हैं उसके बाद अगर एक या दो दिन में अगर ये सिक्रेशंस आए सो इट्स अ नॉर्मल। लेकिन अगर ये देखा जाए कि इट्स अ वीक बेस, मतलब ये बहुत वीक तक चल रहा है या तो मंथ में चल रहा है और उसका थिकनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। तो जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो, मतलब इनिशियल स्टेज से ही इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये बाद में क्रॉनिक बन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ल्यूकोरिया को हम लोग बहुत ही नॉर्मली मतलब देखते हैं कि भाई ये आज हुआ है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ये अगर आप इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो इसमें आपको बाद में कोई भी बड़ा वाला कोई भी डिजीज या तो क्रॉनिक हो सकती है, जैसे कि इसमें कैंसर की भी चांसेस होती है, राइट। तो अगर किसी का भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी जो प्रोडक्ट को लेके आज हम लोग बातें कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को इंटेक करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहली चीज जो एक पेशेंट को देना बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो है असाई जूस, राइट। आप लोग शायद सभी जानते हैं कि असाई जूस जो है इज अ वेरी पावरफुल एक जूस है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फ्रूट्स की कॉम्बिनेशन है और उसके साथ साथ अकाई बेरी की कॉम्बिनेशन है, असाई बेरी की, जो इज अ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, राइट। जो कोई भी अगर हेल्थ की प्रॉब्लम हो, जैसे कि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, कोई भी मेंस्ट्रुअल्स की प्रॉब्लम हो, उसमें तो ये काम करते ही है। उसके साथ साथ एक लेडीज की हेल्थ को मेंटेन करने में भी ये असाई जूस काम करते हैं। नेक्स्ट, और क्या करते हैं, लड़कियों की जो मेन प्रॉब्लम और एक होती है वो है यूटीआई की प्रॉब्लम, यूटिनरी ट्रैक इंफेक्शंस की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर कोई वर्किंग लेडीज होते हैं तो वो हो सकते हैं कि उनका जो ऑफिस की जो टॉयलेट होती है वहां पे बस वही नहीं और भी सारे लोग जाते होंगे तो उसमें से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कभी कभी अगर कोई भी अगर घर में रह रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली इंटीमेट एरियाज को क्लीन नहीं कर रहे हैं विथ केवा की जो इंटीमेट वॉश है उसके वजह से वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ होने की वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आपको वो चीज तो यूज करना ही है, उसके साथ साथ असाई जूस को भी इंटेक करना जरूरी होती है। क्योंकि असाई जूस बस ये इन्फेक्शन को ही नहीं, यूटीआई को नहीं, उसके साथ साथ एक लेडीज की कैंसर की चांस को भी वो कम करते हैं।
असाई जूस आपकी इम्यूनिटी पावर को इनहेंस करने में मदद करते हैं, राइट? जिनकी इम्यूनिटी पावर, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे कि अभी का जो सिचुएशन है, अभी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके वजह से अगर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, आप जो भी ले रहे हैं उसके साथ आपको असाई जूस को ऐड करना जरूरी है। कोई भी इंफ्लेमेटरी, कोई भी, क्योंकि इसके मतलब असाई जूस के अंदर जो असाई जूस होते हैं इज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। जो कोई भी डिजीज, मतलब यूटराइन की कोई भी डिजीज हो तो उसमें ये जल्दी से जल्दी रिकवरी देती है। आपकी अगर कोई भी हार्मोनल लेवल्स में कहीं ना कहीं पे कोई भी डिसबैलेंस है, आप जानते ही होंगे एक लेडीज की अगर हार्मोनल कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ पोस्ट मेनोपॉज की प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीज को उनको फेस करनी पड़ती है। अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो आपको सबसे पहले जो चीज को ऐड करनी है वो है असाई जूस, राइट? अच्छा, असाई जूस को कैसे लेना है ये मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। इस 10 टू 15 ml ये आपको लेना है खाने से आधे घंटे या तो एक घंटे पहले इसे लेना है। 150 ml वाटर के साथ इसे मिक्स करके लेना है, लेकिन एम्प्टी स्टोमक दोनों टाइम इसे इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गला गया असाई जूस। उसके नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, जो इनकी मेन प्रोडक्ट है वो है ल्यूकोरिया केयर टैबलेट्स, राइट? ये जो ल्यूकोरिया केयर टैबलेट्स है इज अ प्योर 100% एज अ नेचुरल प्रोडक्ट, राइट? क्योंकि इसके अंदर ल्यूकोरिया को क्यूर करने के लिए जितने भी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है उन सारे इसके अंदर है। और बस ये ल्यूकोरिया के क्यूर, मतलब ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को क्यूर ही नहीं करते हैं, उसके साथ साथ एक लेडीज की जो रीजेनरेटिव जो ऑर्गन्स होते हैं उसे भी टोन्ड अप करके उसे हेल्दी बनाने में भी वो मदद करते हैं, राइट? क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे ये जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से फीमेल की बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनके ऑर्गन्स पे जो जनरेटिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को अगर क्योर करना है तो आपको ये ल्यूकोरिया केयर की जो टैबलेट्स है इसे ऐड करना जरूरी है। ये बस ल्यूकोरिया की या तो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को क्योर ही नहीं करते हैं, उसके साथ साथ एक लेडीज की इंटीमेट एरियाज में जो पीएच बैलेंस होते हैं उसे भी मेंटेन करते हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं पे एक लेडीज की पीएच बैलेंस को कोई भी दिक्कत आ गई तो इसका मतलब वहां से इन्फेक्शन ग्रोथ की चांसेस हाई हो जाते हैं, राइट? तो ये बस ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते हैं, उसके साथ साथ एक लेडीज की जो पीएच बैलेंस होती है इंटीमेट एरियाज की उसे भी प्रॉपर पोजीशंस पे या तो बैलेंस पे रखने में भी वो मदद करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसका क्वालिटी। इसका जो क्वालिटी होती है इसकी मतलब जब ये मार्केट से लिया जाता है इसके हर एक इंग्रेडिएंट्स ये बहुत ही सोच समझ के और रिलायबल सप्लायर से ही ये लिया जाता है, राइट? क्योंकि केवा हमेशा एक लेडीज के बारे में कुछ अलग ही सोचे हैं, आप लोग सभी जानते हैं। तो ये जो सप्लायर होते हैं वो बहुत ही रिलायबल सप्लायर होते हैं कि वो जो इंग्रेडिएंट्स थे वो बहुत ज्यादा खास होना जरूरी होती है, तो वहां से लिया जाता है। उसके बाद इसका जो मैन्युफैक्चरिंग एंड इसका जो पैकेजिंग होती है ये बहुत ही हाइजीन को मेंटेन करते हुए ये बनाया जाता है और फिर ये आप लोगों के पास पहुंचता है। तो बस वही नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो केवा ने हमेशा आपको ये भी कहा है कि जो प्रोडक्ट है वो कितना संभाल के या तो कितना सिक्योर के साथ इसका पैकेजिंग हो या तो इनका जो प्रोसेस होती है कि हर एक इंग्रेडिएंट्स का जो जो इसका जो
पावर है वो कम ना हो, ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए ये आप लोगों के पास जाते हैं, या तो इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग होता है। आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियर केयर टैबलेट्स आखिर क्या काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज ए एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं। अगर किसी के वाइट डिस्चार्ज या तो योनिश वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे कम मतलब उसे डिक्रीज करने के लिए ये एज ए एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं। बस वही नहीं, ये जो हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं जिसके वजह से ओवर मतलब ओवरीज में जो टिश्यूज में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है वो उसे रिमूव करने में मदद करते हैं। कभी कभी ये अगर कोई मेजर स्टेज में चले जाते हैं तो उस पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस आती है। ये वीकनेस को कम करने के लिए ये ल्यूकोरिया टैबलेट्स आप दे सकते हैं। किसी को अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसे पेल्विक्स में, किसी किसी को पेल्विक्स में या तो लेग में तो पैर में उनको पेन होना भी बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है, इज अ वेरी पैथेटिक राइट। तो उसे अगर आपको डिक्रीज करना है तो उसमें आपको ये सप्लीमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। या तो कोई भी यूरिन इन्फेक्शन हो उसमें में भी आप ये ल्यूकोरिया केयर टैबलेट्स दे सकते हैं। अगर किसी को डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करनी हो या तो आप देख ही सकते हैं कि ल्यूकोरिया केयर टैबलेट्स ओनली फॉर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को कम करने के लिए नहीं है, और भी प्रॉब्लम में आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है देन उसे ल्यूकोरिया केयर दिया जा सकता है। अगर किसी की आईज एरिया में आप लोग देखेंगे कि किसी किसी लेडीज की एक प्रॉब्लम होती है कि भाई आईज एरियाज में बहुत सारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, इसकी एक मतलब एक कॉज हो सकती है कि उनकी अगर पोर हेल्थ हो या तो उनको अगर कोई भी वाइट डिस्चार्ज या तो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। अगर आप उनको ल्यूकोरिया की मतलब प्रॉब्लम के लिए अगर आप उसे ये टैबलेट्स देते हैं तो उसे धीरे धीरे ये जो आईज एरियाज में जो डार्क सर्कल होते हैं उसमें में भी इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखेगा राइट। नेक्स्ट इसका डोजेस, वन टैबलेट करके आपको दोनों टाइम इसे लेना है राइट। वन टैबलेट करके आपको इसे दोनों टाइम पे लेना है बिफोर मिल राइट। इसे आपको यूज करना है 6 to 12 months। कोई भी प्रोडक्ट जब भी आप यूज करें, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे कि इसका जो प्रोडक्ट है केवा की जो सारी प्रोडक्ट है इट्स अ आयुर्वेद प्रोडक्ट। तो ये जब आपकी आप जब इसे इंटेक करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आयुर्वेद की मेन जो फर्स्ट काम होती है वो है फुल बॉडीज को शुद्धिकरण करना या तो टॉक्सिन्स को रिमूव करना। तो अगर आपको इसे कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको जड़ से उसे रिमूव करना है तो सबसे पहले एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपको पेशेंट्स के साथ इसे इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So, 6 to 12 months आपको इसे इंटेक करना जरूरी होगा राइट फॉर आवर बेस्ट रिजल्ट। जब आप इसे इंटेक करते रहेंगे आप धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम कैसे धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रहा है राइट। नेक्स्ट जो है वो है ट्रिपल स्टीम सेल ड्रॉप राइट। आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो ट्रिपल स्टीम सेल ड्रॉप है ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है राइट। लेकिन ये जो ट्रिपल स्टीम सेल ड्रॉप है इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक मतलब प्रोडक्ट है जिसका मेन जो काम होती है वो है कि आपकी फुल सेल को आपकी बॉडीज में जितने भी सारे सेल हैं उसे एक्टिवेट करना। और इसके लिए इसके अंदर ये स्टीम सेल के ड्रॉप्स के अंदर बहुत सारे ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स दिए मतलब दिया गया है
जो आपके हर एक सेल को वो एक्टिवेट करता है कि आप अगर हर कोई सेल एक्टिवेट हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी जो कोई भी अगर आपकी कोई डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप जल्दी से जल्दी वहां से रिकवरी हो सकते हैं। ये केवा की ट्रिपल स्टीम सेल ड्रॉप इज अ हलाल एंड कोशर सर्टिफाइड, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, ये ट्रिपल स्टीम सेल ड्रॉप आखिर ड्रॉप्स क्यों है? तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो केवा के ट्रिपल स्टीम सेल ड्रॉप है, ये ड्रॉप इसलिए मतलब किया गया है कि जहां पे इसके जो फॉर्मुलेशन है ये जल्दी से जल्दी आपके बॉडीज में, मतलब इसका जो फॉर्मुलेशन है आपकी बॉडीज में बहुत जल्दी से पावरफुली एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से आपकी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कोई भी प्रॉब्लम अगर है वो जल्दी से जल्दी वो ठीक होने में ये मदद करते हैं, राइट। और क्या काम करते हैं ये, इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जिसके वजह से आपकी कोई भी यूटीआई की अगर प्रॉब्लम है, यूटीआई की अगर प्रॉब्लम है जिसे यूटरिनरी ट्रैक इंफेक्शन कहते हैं, या तो ब्लडर में कोई इंफेक्शन है, या तो अलग सी कोई भी ओवरीज में अगर कोई इंफेक्शन है, ये सारे इंफेक्शन को अगर आपको रिमूव करनी है, देन ये जो दो प्रोडक्ट मैंने बताया, वन इज असाई जूस और उसके साथ साथ जो मैंने बताया न्यूकोरिया केयर टैबलेट्स, उसके साथ आपको ये ट्रिपल स्टीम सेल ड्रॉप्स को आपको ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में मदद करते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो वो कोई भी डैमेज हो, कोई भी इंफेक्शन हो, कोई भी घाव हो, उसे जल्दी से जल्दी उसे रिमूव करने में या तो उसे ठीक करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। ये जो स्टीम सेल ड्रॉप है ये आपकी एनर्जी पावर को बूस्ट अप करने में मदद करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये हर एक सेल को एक्टिव करने में मदद करते हैं, राइट। तो आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ल्यूकोरिया की प्रोडक्ट जब ऐड करेंगे तो उसके साथ ये ट्रिपल स्टीम सेल ड्रॉप को ऐड करना ना, जिनकी बहुत ज्यादा वीकनेस की प्रॉब्लम है, कोई भी वीकनेस की प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई भी टायर्डनेस की प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसपे आपको ये ट्रिपल स्टीम सेल देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके डोजेस क्या है, इसके डोजेस जो है इसे आपको 10 ड्रॉप्स करके लेना है ट्वाइस इन अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। शायद आप लोग सभी जानते होंगे, शायद यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद सभी इसे इस्तेमाल करते होंगे, तो फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, इसे 10 ड्रॉप करके आपको इसे लेना है एम्प्टी स्टोमक में दोनों टाइम, इज अ मॉर्निंग एंड इवनिंग खाने से पहले। इसे भी आपको इस्तेमाल करना है, यूज करना है 10-12 मंथ्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। और मैं हमेशा एक चीज बताती हूँ कि अगर जो चीज आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम था लेकिन अभी वो खत्म हो गया है तो मैं इसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो भी दिया गया है ऑल इज आयुर्वेद। तो अगर आप लोग इसे लॉन्ग प्रोसेस में भी यूज करना चाहे तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कौन है जो चाहते हैं कि भाई मेरा प्रॉब्लम अगर आप ठीक हुआ है तो पता नहीं फिर कभी अगर मेरा लाइफस्टाइल प्रॉपरली नहीं रहा, अगर मैं फिर से खुद को मेंटेन नहीं कर पाई तो पता नहीं फिर से वो आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये सारे जो चीज मैंने बताया है, जो सारे प्रोडक्ट को मैंने बताया है, ये आप कोई भी पेशेंट्स को तो दे ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम नहीं है और फर्दर प्रॉब्लम ना आए इसके लिए प्रिकॉशंस के लिए भी आप लोग इसे दे सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख सकते हैं।
किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर किस डिजीज को लेके है, या तो इनफर्टिलिटी में क्या इसे दे सकते हैं, जी हाँ, कोई भी हार्मोनल इंबैलेंस इनफर्टिलिटी की अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हम लोग ये तीन प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फेमिनाइन ड्रॉप को भी हम लोग ऐड करेंगे। देखिए, ल्यूकोरिया सिरप एंड लेडी केयर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो सबसे पहले काम करता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ल्यूकोरिया सिरप अगर देंगे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको इम्प्रेस क्रिएट करना है, अगर आपको दिखाना है कि भाई प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग चीज को सबसे पहले उनको देना सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और वो है ये तीन चीज, असाई जूस, उसके साथ ल्यूकोरिया के टैबलेट्स, और उसके साथ ये ट्रिपल स्टिक सेल, राइट, ये दीजिए। और उसके साथ आप जो भी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं आप उसे बोल सकते हैं उसे लेने के लिए। जी हाँ, पीसीओडी के प्रॉब्लम में भी आप लोग उसे दे सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, जैसे कि एसआई जूस जो है वो पीसीओडी में मदद करते हैं, ल्यूकोरिया केयर की जो है वो भी पीसीओडी में मदद करते हैं, तो आप लोग उसे दे सकते हैं। कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है को पीरियड के बाद भी, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है पीरियड के बाद भी, मैम अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है इज अ हार्मोनल इंबैलेंस, इसके लिए आपको हार्मोनल जो टैबलेट्स है वो देना है, उसके साथ जो मैंने आप असाई जूस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फेमिनाइन ड्रॉप को ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फैट को कम करने के लिए कौन से प्रोडक्ट, फैट को कम करने के लिए मिल्क रिप्लेसमेंट, और उसके साथ आप ट्रिपल स्टिम सेल को भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी की डार्क सर्कल में प्रॉब्लम है या तो स्किन में प्रॉब्लम है तो आपको असाई जूस लेना है, उसके साथ मैंने जैसे कि बताया कि ल्यूकोरिया केयर टैबलेट्स और उसके साथ स्टिम सेल, राइट। अगर किसी का इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या तो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है इरेगुलर, तो इस अ हार्मोनल इंबैलेंस, उसके लिए फेमिनाइन ड्रॉप, ओमन हेल्थ जूस, और उसके साथ साथ आप अकाई जूस को भी ऐड कर सकते हैं या तो हार्मोन बैलेंस टैबलेट्स। मैम जो भी पानी थोड़ा कम पीती हूँ तो यूरिन में प्रॉब्लम होती है, जी हाँ, अगर बॉडी से टॉक्सिन्स प्रॉपर वे में नहीं निकलेंगे तो वहां से यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां से कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है, इसके लिए पानी जितना ज्यादा हो सके उतना पीजिए, क्योंकि टॉक्सिन्स को रिमूव करना, शायद सब लोग जानते हैं कि यूरिन के थ्रू, उसके साथ साथ अगर जब स्वेटिंग होती है उसके थ्रू भी टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, तो उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सर मैंने सभी को तो अनम्यूट करके रखा है, आप एक बार, एक मिनट, एक बार सर अगर आपको कुछ भी करना है, मतलब कुछ भी बोलना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग को एक साथ अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को यूरिन में जलन हो रही है, अगर वो लेडीज हैं, तो इसके लिए आप उनको दे सकते हैं असाई जूस, उसके साथ आप दे सकते हैं ओमन हेल्थ जूस और स्टिम सेल।
सुजाता मैम, आपने कहा कि ओनली फॉर, क्या ये ट्रिपल स्टीम से दे सकते हैं? जी नहीं, आप ओनली फॉर ये नहीं दे सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम जो प्रोडक्ट मैंने बताया अगर इसके रिलेटेड है, तो आपको ये तीन प्रोडक्ट ही देना है। फैट को कम करने के लिए मैंने बताया है कि मील रिप्लेसमेंट और उसके साथ स्टीम सेल प्लान, मतलब स्टीम सेल ड्रॉप, सॉरी, ये दे सकते हैं। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज कोई मुझे बताइए कि मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है या नहीं। कोई मुझे लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अगर अच्छा, जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन फोन दिया है। किसी को अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, अच्छा, इनफर्टिलिटी की कोई भी कॉम्बो पैक, अच्छा, ओके, मैं रखूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि इनफर्टिलिटी के लिए अगर हम लोग एक कॉम्बो की ट्रेनिंग कर पाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं सर कि अगर किसी की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी प्रॉब्लम क्या है ये जानना जरूरी है। लेकिन हम लोग अगर कोई भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग दो प्रोडक्ट जरूर, तीन प्रोडक्ट जरूर देते हैं। नंबर 1 इज फेमिनाइन ड्रॉप, ओमन हेल्थ जूस, और उसके साथ साथ ट्रिपल स्टीम सेल, राइट? जी हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि इनफर्टिलिटी के ऊपर अगर नेक्स्ट कोई ट्रेनिंग हो। और किसी का कोई क्वेश्चन, और किसी का कोई भी क्वेश्चन? गुड इवनिंग, फेस में दाग है तो क्या दे सकते हैं मैम? अगर किसी का फेस की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आज जो भी टॉपिक्स है, इसमें कोई भी फेस रिलेटेड नहीं है, मतलब फेस को लेके मैं बातें नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं बिल्कुल इसके आंसर दूंगी। अगर कोई भी फेस रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले उनकी जो स्किन की प्रोडक्ट है उसे चेंज कीजिए, उनको दीजिए। और अगर सप्लीमेंट की कोई है, तो उसके साथ आप असाई जूस, हिमालयन बेरी और वुमेन हेल्थ जूस को ऐड कीजिए, राइट? अगर किसी का ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप उनमें हिमालयन बेरी दे सकते हैं, आप उसमें असाई जूस दे सकते हैं, और ट्रिपल स्टीम सेल तो दे ही सकते हैं। अच्छा, और एक प्रॉब्लम आया है, सॉरी, एक कस्टमर है, उनकी फेस में दाग है, ये तो मैंने देख लिया है। अच्छा, किसी को अगर लीवर प्रॉब्लम है, देखिए आज जो भी टॉपिक्स है, हम लोग उसको लेके बात करें तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको लीवर की जितने भी प्रोडक्ट है उसे आपको देना है। लेकिन लीवर प्रॉब्लम में आखिर क्या है ये जानना जरूरी है। तो हम लोग और एक दिन एक एक प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे। लेकिन अगर आज की अगर कोई भी टॉपिक्स को लेके आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बीपी या तो शुगर में भी आप ये सारे प्रोडक्ट दे सकते। अच्छा, किसी ने यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगी है, तो सर सो सॉरी, मैं यहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पाऊंगी। लेकिन अगर आपका अपलाइन जो है, जो टॉप मोस्ट लीडर है, अगर आप उनसे बात करेंगे, तो शायद मेरा नंबर आपको मिल जाएगी और आप उससे बातें कर सकते हैं। जो चेयरमैन है, आप एक बार उनसे बात कीजिए, मेरा नंबर उनके पास जरूर होगी, आप उनसे मेरा नंबर मांग के आप उनसे बात कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों को मेरा ट्रेनिंग अच्छा लगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये ट्रेनिंग तक ही ना रहे। जब आप लोग अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आपको ये तीन कॉम्बो को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, बाथरूम जाने तक भी वेट नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि मतलब जो यूरिन जो होल्ड करने की जो प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप इसका कोई भी, अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से है तब तो आप ये तीन प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर अलग सा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनमें से मतलब आप मुझसे एज ए फोन के थ्रू बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एक पेशेंट के निवारण की कोशिश हो देख रहे हो। चार साल से ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, बीच में एलोपैथिक मेडिसिन यूज किए थे, बंद हुआ था मगर फिर से वो स्टार्ट हो गया। जी, अगर किसी को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट की जरूरत है और इसे जड़ से इसे रिमूव करना जरूरी होती है। तो आज की जो सेशन से ये ल्यूकोरिया के ऊपर ही था। जो तीन प्रोडक्ट को मैंने आप लोगों से मैंने बोला है कि ये तीन प्रोडक्ट देना जरूरी है, आप ये तीन प्रोडक्ट को स्टार्ट करवाइए। और मुझे पता है 6 to 12 मंथ्स के बाद आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा रिकवरी हो चुकी है, राइट। सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक आपके पास अगर ऐसे कोई पेशेंट आए तो आप लोग बहुत ही जबरदस्त इसका जो जो भी प्रोडक्ट मैंने बताया आप लोग उसे दे सकते हैं, आप लोग ट्रीटमेंट बिल्कुल कर सकते हैं और मुझे पता है इसमें 100% आप लोगों को रिजल्ट मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और उसके साथ साथ आपका इस मंथ बहुत बहुत अच्छा बिजनेस हो और यही मैं चाहूंगी। और आप जोरदार बिजनेस कीजिए सारे प्रोडक्ट के साथ, केवा के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, जय जय केवा, दिल से केवा। थैंक यू सो मच एवरीवन।